हेलो गाइस, हाल ही में एक शोध में चौंका देने वाली जानकारी सामने आई है। जिस तरह हमारे पास जीपीएस तकनीक वाला गूगल मैप होता है और उसकी मदद से हम किसी भी अनजान जगह पहुंच जाते हैं, उसी तरह शार्क मछली के पास भी जीपीएस जैसी तकनीक होती है जिसकी मदद से वो हजारों किलोमीटर का सफर तय करके वापस लौट आती है। गाइड शार्क अपना रास्ता ढूंढने के लिए जीपीएस नेविगेटर की तरह पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का इस्तेमाल करती है। इसकी मदद से शार्क एकदम सटीक रास्ता तय कर लेती है। शिकार के लिए शार्क इलेक्ट्रिक तरंगों का भी इस्तेमाल करती है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्रों से शार्क को लगातार पता चलता रहता है कि वो किस दिशा में जा रही है और उसी तरह से वो अपनी जगह फिर वापस लौट आती है। शोधकर्ता केलर ने मेक्सिको की खाड़ी में पाई जाने वाली बोनेट हेड प्रजाति की शार्क के छोटे से परिवार के सदस्यों पर रिसर्च किया और पाया कि वह हर साल नदी के उसी मुहाने पर वापस लौट आती है जहां से वो गई थी। केलर के मुताबिक ये बात साबित करती है कि शार्क को उसका घर पता होता है और काफी दूर जाने के बावजूद भी वे उसी जगह को वापस नेविगेट कर सकती हैं। गाइज, ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।